अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटर पनीर, जिसके लिए हमें चाहिए 3-4 कांदे और 2-3 टमाटर। और ये देखिए, मेरे पास लाल लाल मिर्ची हो गई थी तो मैंने उसको ही ले लिया था, क्योंकि उस कलर फिर लाल मिर्ची का पाउडर नहीं डालना पड़ेगा, इससे हमारा ग्रेवी लाल हो जाएगा। और 5-6 काजू, और ये 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक ज़रूरत के हिसाब से, जितना आपको लगता हो। और ये मैंने 1.5 किलो पनीर ली हूँ, और ये फ्रोज़न पीस यानी उबले हुए वटाने तो मिलते हैं, आपको पता है ना, तो फिर ये वही है। तो ये मैं आधा पैकेट डालूँगी, पूरा नहीं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो फिर हम ये जो ये सब मेरा मतलब मटर पनीर का सब मसाला एक बार आप फिर से सब देख लीजिए। और तो फिर ये जो ऑनियन है, ऑनियन के अंदर ही मैंने लाल मिर्ची डाल के पीस ली थी, और फिर 2 चम्मच से 2.5 चम्मच तेल डाली थी मैंने, उसके अंदर मैं पनीर को फ्राई करके निकाल दूंगी। तो ये पनीर को फ्राई कर लूँ, मतलब कोई कोई ऐसे भी डालते हैं, मैं ऐसे डालती हूँ, बच्चे लोग खाते नहीं हैं, उन लोग बोलते थोड़ा मम्मी फ्राई कर लो, मैं फ्राई कर लेती हूँ। फिर इसके बाद वही ही तेल में हम थोड़ा जीरा डाल के इसमें हम मसाला डाल देंगे, जो मैंने ऑनियन और रेड मिर्ची को पीसा था, तो वही हम इसमें डाल के 5 से 6 मिनट अच्छा भुनेंगे। फिर भुनने के बाद हम उसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, तो उसको भी अच्छे से भुनेंगे। आपको तो पता है कि मसाला मुझे ज़्यादा भुना हुआ रहता है तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर अदरक लहसुन के पेस्ट की जो खुशबू रहती ना वो रह जाती है। तो इसके लिए ना हम अच्छे से उसको भुनेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन भी हम इसमें डाल चुके हैं, देखिए। तो इसको हम कम से कम 10 मिनट तो मैंने भुनी थी, 10 मिनट तक भुनने के बाद हम इसके अंदर फिर हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और नमक ये डाल के हम 2-3 मिनट भुनेंगे। तो ये है देखो, 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक ज़रूरत के हिसाब से, जो ज़रूरत के मुताबिक आपको जितना लगता है आप उतना डाल सकते हैं। तो ये मेरा 1 चम्मच नमक था, तो वो भी डाल के मैंने इसके अंदर अच्छे से भून ली थी। सॉरी, मेरा मसाला कभी भी मतलब थोड़ा सा गिर ही जाता है गैस पर, कितना भी साफ रखो गिर ही जाता है, पता नहीं क्यों। तो फिर ये मैंने मसाला अच्छे से, देखो मेरा भून रहा था, हल्का हल्का तेल भी छोड़ने लग गया था। तो इसके अंदर मैं वो जो टमाटर बताई थी आपको, वो भी 10 मिनट भूनने के बाद वो भी हम पीस के इसमें ही ऐड कर देंगे, ताकि वो अच्छे से हमारा मसाला भून जाए। और वैसे तो मटर पनीर बहुत से तरीके से बनती है, सबके तरीका अलग अलग होता है, मगर मैं यही तरीके से बनाती हूँ और सबको पसंद भी आता है, तो इसलिए मैं आज आपके साथ यही वाला मटर पनीर शेयर कर रही हूँ। तो फिर अब हम वही टमाटो पीस के डाल देंगे। अच्छा, एक बात तो बताना भूल गई कि एक हाथ से मोबाइल पकड़ो और फिर दूसरे हाथ से खाना बनाओ, तो मेरा हाथ भी बहुत दर्द है। तो देखिए, कभी मैं ये हाथ से मसाला भूनू, कभी वो हाथ से, तो हर बार चेंज कर रही थी, कभी ये हाथ में मोबाइल ले रही थी, कभी वो हाथ में। तो अगर कुछ गलत हो जाए या फिर आपको लग रहा हो कि बाई चांस कितना मैं मोबाइल को हिला रही हूँ, तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना। तो ये देखिए, मैं मसाला निकाल हटा रही थी, मतलब मुझे सुकून नहीं मिलता कि जब होने के बाद साफ करूँ, ऐसा लगता है कि ताबड़ जभी के जभी ही मैं उसको साफ करके हटा दूँ, सब जैसे बहुत मैसी सा लगता है, कितना गंदा सा। इसलिए जैसे कभी जो गिरता है ना, तो मैं ताबड़ तो जैसे कि तभी के तभी साफ कर देती हूँ। ऐसे तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि डेंजरस है, हाथ में चटका लग सकता है या मसाला गिर सकता है, तो आप ऐसा मत। टमाटो पीस के दाल तो दिए, अब उसको भी भुनेंगे। आप सोचेंगे मैं कितना भूनती हूँ मसाला, हाँ वो तो है, क्योंकि पता नहीं पहले से मतलब भूनो, जब तक उसका तेल अलग नहीं होता ना, ऐसा मुझे लगता है कि मुझे मसाला भूनते रहो। हाँ, देर टाइम तो नहीं जाता है, मगर हो जाता जल्दी।
और आपको तो पता है पहले से ही कि जितना मसाले को भूनते हैं तेल जब तक अच्छे से नहीं छूट जाए तो जब तक सालन में या ग्रेवी में टेस्ट नहीं आता है क्या नहीं। तो फिर हम इसके अंदर वो भी ऐड कर देंगे जो मैं आपको बताई थी ना, जब हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा, टमाटर सब जैसे तेल अच्छे से छोड़ने लग जाएगा तो हम उसमें वटाना ऐड कर देंगे जो कि मैंने आपको बताई वो पहले से उबला रहता है, तो उसके लिए हमको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो हम वटाना डाल के 2 से 3 मिनट भून देंगे उसको भी। जब भून के हो जाएगा, अच्छा मैं एक बात तो बताना भूल गई, जो वटाने का पैकेट था ना मुझे तो 1 buy 1 get 1 free मिला था, तो इसलिए मैं ली नहीं, तो मैं नहीं लेती हूँ। तो हम काजू के पेस्ट डाल देंगे, काजू जो मैं आपको बताई इतना 6-7 पीस, उसको पहले से हम पानी में डिप करके रखे ताकि पीसने में आसानी हो जाती है। तो हम उसको पानी में डिप करके, जो पानी में रखते हैं डिप करके उसमें ही पीस लेना चाहिए, तो पीस के हो जाएगा। हम मसाला देखो मैंने एकदम अच्छे से भून गया था, तेल भी छूट गया था, फिर मैंने काजू के पेस्ट डाले थे क्योंकि काजू का पेस्ट मसाला भुनने के बाद भी डाले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसको हम बाद में भी डाल सकते हैं। तो ये मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो गया था, मतलब एकदम तैयार हो गया था। अब इसमें मुझे बस पनीर को ऐड करना था, तो हम पनीर भी ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए मैंने पनीर डाल दी, तो अब पनीर को ऊपर नीचे करके अच्छे से मसाले में करके देखिए, ऐसा स्लो स्लो फास्ट मत करना तो पनीर टूट भी सकती है बाय चांस, मगर ऐसे आप स्लो स्लो ही उसको ग्रेवी को इसमें डालेंगे। तो हो जाने के बाद इसमें एक चम्मच, जब पनीर उनीर हम मिक्स कर देंगे तो उसमें एक चम्मच मेन इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको नहीं बताई वो ये है कसूरी मेथी, जिससे खुशबू भी अच्छी आती है मटर पनीर में और टेस्ट भी। तो मैंने एक चम्मच ली थी कसूरी मेथी, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए उसको भी क्रश करके हम डाल देंगे, ये देखिए एक चम्मच है कसूरी मेथी। तो 2 से 3 मिनट इसको भी भून के फिर बस तैयार हो गया हमारा मटर पनीर। कसूरी मेथी के डालने से खुशबू मतलब इतनी आने लगी थी ना कि मतलब बस ऐसा लग रहा था कि बस चलो बस हो गया सर्व कर लो। तो आप भी ऐसी करना तो खुशबू अच्छी आती। देखिए कसूरी मेथी डाल के 5 से 10 मिनट के लिए रखी तो हो गया तैयार। ये मैंने रोटी बना दी, ये छोटी सी मेरी बेटी के लिए हमेशा बनाना पड़ता है अलग से रोटी, उसको छोटी सी रोटी खाने में अच्छा लगता है। तो मैंने रोटी बना दी थी और मटर पनीर के साथ तो ऐसे पराठा अच्छा लगता है, तो टाइम नहीं था इसके लिए मैंने रोटी बना दी। तो कोई बात नहीं, दोबारा कभी बनाऊँगी तो मैं पराठा बना दूँगी। और नींबू और कांदे के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको आज खा के भी बताती हूँ एक निवाल के साथ, बहुत ही टेस्टी था माशाल्लाह, बहुत मतलब नमक मिर्ची सब, और पनीर तो एकदम ही सॉफ्ट एंड सॉफ्ट था, देखिए कितना गर्म है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप भी ऐसी बनाना, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, आप भी बनाना और बताना कि कैसा बना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अल्लाह हाफिज़।